धनबाद के सिंदरी डी नोबली स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के छात्र 15 वर्षीय अस्मित आकाश की आज बुधवार को हत्या कर दी गई। हत्या क्लासरूम में हुई। उसके सहपाठियों ने मिलकर इतनी पिटाई कर डाली कि उसकी मौत हो गई। पहले तो स्कूल प्रबंधन का कहना था कि छात्र की तबीयत खराब थी, लेकिन छात्र के परिजनों ने आशंका जाहिर की कि उसके साथ मारपीट की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। पुलिस प्रशासन के दबाव में जब सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई तो सच्चाई सामने आई। कक्षा में 3 छात्र मिलकर अस्मित को मार रहे हैं। मारपीट करने वाले छात्र हर्ष, आदर्श और निखिल की पहचान की गई है। स्कूल में हिंसा के बाद अस्मित को धनबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज SNMMCH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावक स्तब्ध हैं। वही मामले की जांच करने सिंदरी DSP अभिषेक कुमार पहुंचे, साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक प्रमेला और सिंदरी थाना प्रभारी डिनोबली सिंदरी में कैंप किए हुए हैं। स्कूल प्रिंसिपल चंद्रशेखर फ्रांसिस से मामले की जानकारी जुटाने, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ विभिन्न पहलुओं पर जांच और छानबीन की जा रही है। मृत छात्र के पिता प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि स्कूल के कुछ छात्र मेरे बेटे के साथ कई दिनों से मारपीट कर रहे थे। आज भी मेरा बेटा स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर एकाएक मन हुआ और वह स्कूल चला गया। स्कूल जाने के बाद यह घटना हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है, उसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 11 बजे फोन आ रहा है क्लास टीचर का, बोले आपका बेटा का है, आइए, थोड़ा सांस में प्रॉब्लम है, सांस नहीं चल रहा है। तो हम गए तो देखे वो वहाँ ऑफिस रूम में मेरा बेटा पड़ा हुआ, शर्ट खुला हुआ है, आंख नीला एकदम हो गया था। हाँ, 10:30-11 बजे उसी समय तो 5 मिनट का अंदर पहुँच गए। 5 मिनट हम रोडाबंद में ही थे, रोडाबंद से हमको लग रहा 100 मीटर का दूरी है बिनोन स्कूल। और तुरंत फोन रखे नहीं होंगे, हम स्कूल पहुँच गए। स्कूल पहुँच के देखे मेरा बेटा बहुत पूरा होश नहीं है, बेहोश है। क्लास टीचर बोले हमको स्कूल में घुसे जी, वो बोले है दो लड़का झगड़ा कर रहा था, बोले इधर देख कौन कौन बताए नहीं, दो लड़का झगड़ा कर रहा था ये देख के गिर गया। हम बोले दो लड़का झगड़ा करता है ये देख के कैसे गिर जाएगा, इसका मतलब इसको कोई मारा है। हमको बाहरी रिपोर्ट पता चल रहा है इसको 2-3 को लड़का मिलके मारा स्कूल में। हाँ, स्कूल का अंदर। और 8 बजे हम नाश्ता खिलाया के स्कूल में छोड़े हैं, 10:30 बजे कैसे डर हो जाए। लड़का है मेरा, बताइए, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। दोस्त लोग खिलाइए ना मामा। कौन से क्लास में पढ़ता था? क्लास 10 है, बिनौली। क्या नाम था? अस्मित। स्कूल का पूरा पूरी लापरवाही है, स्कूल का पूरा ही। आप सीसीटीवी का जांच कराइए, 8 बजे से मेरा बेटा घुसा है और 11 बजे तक मेरा बेटा का पूरा जाँच कराइए। हर कदम में सीसीटीवी है वहाँ, पता चल जाएगा मेरे बेटा को कैसे क्या कौन किया। स्कूल टीचर ने बताया कि 2 छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसे देखकर अस्मित आकाश बेहोश हो गया। यहाँ जो फुटेज देखे हैं तो फुटेज में ये है कि रिसेस के बाद जब बच्चे सब आते हैं, क्लास असेंबल होते हैं, चेंज ओवर होता है, जो उस समय आते ही सर सभी में कुछ बच्चे आकर जो अपने चेयर में बैठे हुए हैं, उसमें निखिल है जो क्लास मॉनिटर है और ये बच्चा हमारा, तो ये इनके बीच में कुछ आपस में शफल हुआ है। मारपीट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि फुटेज में क्लियर है मारपीट नहीं है, धक्का धक्की हुआ, हल्का फुल्का कि मेरे जगह से उठो, यही जो दिख रहा है हल्का। हाँ, वो आप लोग सब देखे हैं। हाँ, आपके सामने है, आप लोग रिकॉर्डिंग भी लिया। निखिल जो है क्लास मॉनिटर, तो ये क्लियर है कि जो हुआ है जो आप लोग देखे हैं। उसके बाद बच्चा जो है, जब टीचर आता है उसके बाद वो सारे खड़े होते हैं, वो कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स क्लास है, तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे चले जाएंगे और कंप्यूटर वाले बच्चे वहाँ रहते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जा रहे हैं, वो चले गए और कंप्यूटर वाले बच्चे वहाँ पे आकाश के क्या था, इकोनॉमिक्स में था कंप्यूटर, कंप्यूटर तो ही बस सिटी में होता ही बस गया। और वो सारे बच्चे विश करने उठे, लेकिन ये नहीं था उसमें दिख रहा है। और उसी समय फिर हमारे टीचर गए थे इंचार्ज मिस्टर प्रदीप दास, वो रिएक्ट किए हैं और विद इन 4 मिनट्स प्रदीप दास 4 मिनट्स और जो कि हमको अभी दास पता चला है कि पाव फेलियर हुआ है, जिसके चलते वो दिख नहीं रहा है वहाँ पर। हाँ, वो पाव फेलियर हुआ तो उसका फुटेज नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वाला भी फुटेज हमको देखना है। और उसके बाद टीचर्स रिएक्ट किए हैं, बच्चे को उठाए हैं इमिडिएटली अपनी गाड़ी से लेकर डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब के पास से वहाँ से जो भी उनको रेफर किया गया, वो बच्चा फिर आगे की ओर।
ब्यूरो रिपोर्ट धनबाद।